भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गानों का सहारा लिया गया है। जी हाँ, आपने चाहे जितनी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन अगर आपको सामने वाले बंदे को नीचा दिखाना है तो उसके खिलाफ एक गाना लेकर आएं और आप उस गाने के ज़रिए अपनी भड़ास निकालें। ठीक यही कुछ पवन सिंह ने किया है और अब उलट अक्षरा सिंह कर रही हैं। पवन सिंह ने क्या किया, तो आज उनका एक गाना रिलीज़ हुआ, गाने का नाम है जिससे फंसेगी उसी को डसेगी। और अब अक्षरा सिंह का एक गाना कल रिलीज़ होगा, जी हाँ 20 तारीख को रिलीज़ होगा, लेकिन उसका पोस्टर आज ही रिलीज़ किया गया और गाने के बोल हैं, जिसकी चाटता है उसी को काटता है, यानी जिसकी चाटता है उसी को काटता है। अब आप ये समझ सकते हैं कितना बड़ा द्वंद्व इन दोनों के बीच चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते। हाँ, पवन सिंह भले ही कहें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाई इस तरह से, जिस तरह से पवन सिंह का नाम बीते दिनों में लगातार जुड़ता जा रहा है विवादों से, गाहे बगाहे पवन सिंह भले ही सामने कुछ न करते हो, लेकिन पीठ पीछे लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह लोगों का कैरियर बर्बाद करते हैं, पवन सिंह अपने से ऊपर किसी को नहीं उठने देना चाहते। यानी कि इससे पहले अक्षरा सिंह ने बोला कि कैरियर उनका ख़राब करना चाहते हैं, उसके बाद राकेश मिश्रा ने बोला, और तो और अब खेसारी लाल यादव भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह उनके कैरियर को बर्बाद करना चाहते हैं। भले ही यहाँ पवन सिंह का नाम न लिया जाता हो, लेकिन इशारा, ब्लाइंड इशारा पूरी तरह से उन्हीं की तरफ किया जाता है। पिछले दिनों खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और पवन सिंह पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ बोल जाते हैं। फिर यानी कि जिस तरह से टारगेट पवन सिंह किए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पवन सिंह सच में कुछ करते हों और इसकी पूरी सच्चाई अभी सामने तो नहीं आई है, लेकिन जो भी है इसे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है, क्योंकि कभी भी पवन से दूर ना रहने वाले निरहुआ और आम्रपाली ने भी अब पवन सिंह से कन्नी काट ली है। उन्हें इन दोनों ने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि पवन को इन दोनों ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनफॉलो कर दिया है, निरहुआ और आम्रपाली ने। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।